गाइज ये है क्रीमी टमाटो पास्ता। गाइज ये देखिए नई डिप्स आई है डोमिनोज में। ये है जिंगी पार्सल वेज। ये है बर्गर पिज्जा। अंदर से कुछ ऐसा है, इसमें चीज है, टमाटोज है, कैप्सिकम है। हेलो गाइज, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम डोमिनोज की सारी साइट्स ट्राई करने वाले हैं। इतने ज्यादा ऑप्शन है इनके पास कि आज पिज्जा को ही साइड करना पड़ा है। तो लेते हैं खाने के मजे भी दजे, और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी कोक के साथ। तो शुरुआत करते हैं, यह है चिकन टाको, देखते हैं कैसा होता। इस सॉस का बहुत ज्यादा गजब टेस्ट आ रहा है। अब खाते हैं, ये है क्रिंकल फ्राइज। देखिए नॉर्मल फ्राइज की तरह ही टेस्ट है, ऐसा कोई फ्लेवर नहीं है उसमें। तो गाइज अब टेस्ट करते हैं, यह है बर्गर पिज्जा। अंदर से कुछ ऐसा है, इसमें चीज है, टमाटोज है, कैप्सिकम है। तो देखते हैं कैसा होता है। चीज का काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है। काफी अच्छा टेस्ट है इसका। मानना पड़ेगा कि सिर्फ पिज्जा में नहीं, साइड्स में भी दम है। गाइस कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डोमिनोज में जाके मेन पिज्जा में ही फोकस करते हैं, साइड को इग्नोर करते हैं। मैं भी उनमें से ही हूँ, तो तभी मैं आज सारी साइट्स टेस्ट करने वाला हूँ। इसमें से मैंने सिर्फ कुछ ही आइटम टेस्ट कर रखे हैं, तो मेरे लिए भी आज एक यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप टेस्ट करते हैं, यह है जिंगी पार्सल वेज, देखते हैं ये कैसा होता है। यही वाली सॉस इसमें भी यूज़ हो रही है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। ठीक ही टेस्ट हो रहा था इसका, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा गजब हो रहा था, एवरेज टेस्ट है। सो गाइज आप खाते हैं वो जिसके लिए डोमिनोज बिल्कुल फेमस नहीं है, चिकन विंग्स। देखते हैं चिकन के आइटम कैसे हैं इनके। ये पैरी पैरी चिकन विंग्स हैं। ये बढ़िया आ रहे हैं, हल्का सा स्पाइसीनेस आ रही है जो पेरी पेरी मसाले की। ये
सही में बहुत ज्यादा खजबर है। एक्सपेक्टेड नहीं था, बट चिकन का आइटम भी बहुत ज्यादा गजब हो रहा है। मुझे इनके चिकन पिज़्ज़ास पसंद नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा गज़ब है। दिल खुश हो गया इन्हें खा के। सो गाइस अब खाते हैं, ये है जिंगी पार्सल चिकन, देखते हैं ये कैसा होता है। प्योला बहुत ज्यादा गजब हो रहा है। बट इसमें नाम का चिकन डाला होता, एक दो ही पीसेस हैं इसमें चिकन के पास, बट टेस्ट तब भी अच्छा हो रहा है। ये देखिए इस टाइप के चिकन के पीसेस डाल रहे हैं अंदर। तो ये फ्राइज खत्म करते हैं अब। गाइज इन साइड्स ही साइड्स में इतना खर्चा हो गया ना कि मेन पिज्जा वाले वीडियो में भी इतना खर्चा नहीं हुआ था। चिकन टाको खाते हैं। ऊपर का पार्ट इसका थोड़ा क्रंची सा हो रहा है, नीचे का सॉफ्ट है। ये देखिए कुछ ऐसा होता है अंदर से। चिकन टाको भी इनका बहुत ज्यादा गजब होता है, तो आप इसको भी जरूर ट्राई करना। गाइज ये देखिए नई डिप्स आई है डोमिनोज में, एक है बेजिल पेस्टो डिप और एक है हरीसा डिप, तो देखते हैं कैसी होती हैं दोनों। सो गाइज अब खाते हैं इनकी गार्लिक ब्रेड। मैंने तीन अलग अलग टाइप की गार्लिक ब्रेड मंगा रखी है, एक है क्लासिक स्टफ्ड, एक है पनीर टिक्का स्टफ्ड और एक है चिकन पेपरोनी स्टफ्ड। तो टेस्ट करते हैं। ये पनीर टिक्का स्टफ्ड लग रही है, ये देखिए कुछ ऐसी है। करते हैं टेस्ट। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है और पनीर का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अच्छे से मैरिनेटेड पनीर इसके अंदर डाला है। ये देखिए चीज़ भी कितने अच्छे से डाला है। चीज़ी डिप के साथ ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने पनीर टिक्का स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड खाई है और सही में इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। अब टेस्ट करते हैं ये वाली गार्लिक ब्रेड। ये देखिए ये क्लासिक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड है, इसमें हेलपिनो और कॉर्न की स्टफिंग रहती है चीज़ के साथ। ये वाली तो बेस्ट होती ही है, बट मेरे को इसमें चीज़ की कमी लग रही है। अब आया बेहतरीन टेस्ट। आप टेस्ट करते हैं हरीसा डिप के साथ, देखते हैं कैसी होती है। ये देखिए कुछ ऐसी लग रही है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। हल्का सा चटपटा सा टेस्ट है इसका, थोड़ी बहुत टैंगी सी है। बेजल डिप देखते हैं कैसी होती है।
ये देखिए कुछ ऐसी है, बेजिल डिप, मजा सा नहीं आ रहा है इसमें। अपनी यही चीज़ी डिप और हेलेपिनो डिप ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये वाली तो फिर भी थोड़ी खाने लायक हो रही है, ये मेरे बस की नहीं है भाई। अब तो ये पता चल गया, ये चिकन पेपरोनी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड है। ये देखिए कुछ ऐसी है, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी होती है। इसमें डाल रखा है चीज़ अच्छे से, डोमिनोज की ये बात तो है कि आपको कभी निराश नहीं करता है। गार्लिक ब्रेड तीनों ही बहुत ज़्यादा गजब हो रही है। सो गाइस, शॉर्ट आउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था इनका, और जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पे डालूंगा। और गाइस, एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्योंकि अभी हाल ही में यूट्यूब की एल्गोरिथम चेंज हुई है, जिसकी वजह से मेरे यूट्यूब की रीच बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। सो गाइज, ये है क्रीमी टमाटो पास्ता, देखते हैं कैसा होता है। ऐसा है कुछ, वो एक टैंगी सा टेस्ट है इसका। एवरेज टेस्ट है। पास्ता तो मैंने अभी रिसेंटली खाया, बहुत अमेजिंग पास्ताज हैं उनके, लिंक आ रहा होगा यहाँ पे। गाइज, ये है क्रंची स्ट्रिप्स, देखते हैं कैसी होती है। मठरी वाली मटर नहीं होती जो, उसके जैसा टेस्ट है इसका। पैसे बर्बाद कर दिए मैंने। चीजी डिप के साथ देखते हैं। इसका मजा चाय के साथ ही आया। गैस, ये है टिक्का मसाला पास्ता नॉन वेज, तो देखते हैं ये कैसा होता है। गाइस, पास्ता मत ही करना है आपको ऑर्डर। चिकन भी इसमें नाम का ही डाला हुआ है, जितना ऊपर ऊपर दिख रहा था बस उतना ही चिकन है इसमें। यार फिर भी थोड़ा बेटर हो रहा है, ये तो नॉर्मल ही हो रहा है। पहली बार मुझे डोमिनोज ने डिसअपॉइंट किया है। यार देखिए, इसमें आपको सॉस भी थोड़ी थिक दिख रही होगी, इसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा है। ये तो पानी पानी टाइप का लग रहा है मेरे को। ये टेस्ट ही खराब कर रहा है, तो ये हमसे ना हो पाएगा। पनीर टिक्का वाली गार्लिक ब्रेड है ये।
गार्लिक ब्रेड्स भी इसके पिज्जास को बिल्कुल टक्कर दे रही हूँ। अभी इन तीनों ही गार्लिक ब्रेड्स में मुझे सबसे कम अच्छी पनीर टिक्का वाली लगी, फिर चिकन पेपरोनी, और क्लासिक वाली तो सबसे बेस्ट होती है, चिकन पेपरोनी वाली खाते हैं। क्या ही गजब टेस्ट आता है यार चीज़ का इनकी। मज़ा आ गया पेपरोनी वाली गार्लिक ब्रेड खा के। तो अब खाते हैं बेस्ट गार्लिक ब्रेड, क्लासिक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। स्वीट कॉर्न और चीज़ का टेस्ट तो साथ में बहुत गज़ब आता ही है। मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रही थी ये गार्लिक ब्रेड, चीज़ और कॉर्न का फ्लेवर बहुत ज़्यादा गज़ब आ रहा था। सो फिलहाल टेबल को क्लीन करते हैं और फिर इंजॉय करेंगे अपनी स्वीट डिशेस। सो गाइस, अब बच गए हैं हमारे पास स्वीट डिश में चोको लावा केक और रेड वेलवेट लावा केक। पहले चोको लावा केक ही टेस्ट करते हैं। ओ भाई, ये देखिए, लावा ही लावा है सही में। इन्हें मैंने गरम कर लिया है। ये होता है चोको लावा केक। उस दिन पता नहीं मैंने शिकागो का खाया था या कहाँ का खाया था, बहुत बुरा था वो। ये देखिए कुछ ऐसा है। एक ही बाइट में खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा बेहतरीन हो रहा था। अब खाते हैं रेड वेलवेट लावा केक। बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहा है दिखने में। ये देखिए, सही में बहुत ज़्यादा गज़ब टेस्ट है इस वाले का भी, ये उससे बेटर हो रहा है। गरम करके सीरियसली इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा गज़ब हो चुका है। सो गाइज, मज़ा आ गया आज की वीडियो में, और मुझे आज पता चला कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के अलावा भी कितनी सारी चीज़ें सर्व करता है, और उनमें से काफ़ी चीज़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।